और तब से लेकर मैंने पूरे 75 जनपदों में जाकर बच्चों की जो योजना चल रही है उन योजनाओं को लेकर मैंने समीक्षा बैठकें 75 जिलों में किए हैं। अब मेरी ये बैठकें दूसरे राउंड की बैठकें मंडलों में चल रही है। अभी मैं पश्चिम के दौरे पर आया था तो मेरठ मंडल की बैठक मैंने ली है, सहारनपुर मंडल की बैठक ली है, आज मुरादाबाद मंडल की बैठक ली है और उस बैठक में मैंने सभी जो सरकार की योजनाएं और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सरकार की योजनाओं को जनता तक सीधा लाभ पहुंचे, जनता तक पहुंचाया जाए नीचे तक। सर किस किस प्रकार की योजनाएं? हमारे यहाँ विभिन्न तरह की योजनाएं, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत हम 4000 रुपया दे रहे हैं, मुख्यमंत्री बाल सामान योजना के तहत 2500 रुपया दे रहे हैं, कन्या सुमंगल योजना के तहत हम 25000 रुपया 6 बार में दे रहे हैं, विधवा पेंशन दे रहे हैं, स्पॉन्सर योजना के तहत 4000 रुपया दे रहे हैं, इस तरह की हमारी योजना। सर आज आप मुरादाबाद पहुँचे हैं, अब तक इन योजनाओं को कितने बच्चों को लाभ दिया जा चुका है? अभी मैंने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं आपके सामने, मुरादाबाद मंडल के मैंने आंकड़े आपको दिए हैं और सब अभी मुरादाबाद मंडल में जैसे कि विधवा पेंशन है 215634, कन्या सुमंगल 1,01,405 और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 885, 225 लैपटॉप बांटे गए और मुख्यमंत्री सामान्य योजना के तहत 3111 बच्चों को 2500 रुपये का लाभ दिया गया है और स्पॉन्सर योजना के तहत 575 बच्चों को लाभ दिया गया है। सर बाल श्रम रोकने के लिए क्या आपका प्रयास? बाल श्रम रोकने के लिए हम विभिन्न समय पर अभियान रेस्क्यू अभियान चलाते हैं और 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक हमने निर्देशित किया है, ये अभियान हमारा चल रहा है और इसके लिए टास्क फोर्स जाएगी और रेस्क्यू करेगी। आज हमने कड़ाई से निर्देशित किया है जिन बच्चों को रेस्क्यू किया जाएगा उन बच्चों को बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। सर रेस्क्यू अभियान चलने के बावजूद भी यहाँ पे फैक्ट्रियों में जो है बड़ी संख्या बाल श्रमों की देखी जाती है, क्या कारण है? क्योंकि कुछ लोग मानसिक रूप से, मैं तो विकृति कहूँगा, धन कमाने की लिप्सा से, क्योंकि सस्ती लेबर मिल जाती है बच्चों के रूप में, काम ज़्यादा करती है, ऐसे बच्चों का दुरुपयोग करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।